नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। जंक फूड सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े और बूढ़े भी बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन ग्रोइंग एज में बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर जंक फूड खाने का क्या असर हो रहा है, उनके फ्यूचर पर कैसे असर पड़ सकता है, आइए देखते हैं। जंक फूड वो जहर है जो धीरे धीरे आपके बच्चे के शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। स्वाद से बढ़कर सेहत है, समझदार बनिए और मेरे साथ देखिए संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो आज हमने टॉपिक लिया है जंक फूड। जी, आपको क्या लगता है डॉक्टर चौहान, कैसे जंक फूड हमारे बच्चे के शरीर को खराब कर रहा है, उन्हें शारीरिक स्तर पर किस तरह से उन्हें बीमार कर रहा है? देखिए, अच्छा विषय है और बड़ा एक कॉमन सब्जेक्ट है ये। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि नाम ही जंक है, जंक फूड। जंक का अर्थ शायद आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो थोड़ा डिक्शनरी में अगर ढूंढेंगे, जंक का मतलब होता है गार्बेज, यानी कि सरल भाषा में कहें तो कूड़ा। तो जो भी ये जंक फूड होता है, जिसको आप फास्ट फूड भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि ना तो इसमें कोई न्यूट्रिशन होता, किसी भी तरह का कोई विटामिन मिनरल्स कुछ नहीं मिलेगा इसमें, केवल टेस्ट होगा, या मोस्टली उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपके मोटापे को बढ़ाते हैं, साथ में प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, काफ़ी सारे एडिटिव्स उसके अंदर डले होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल कलर उसमें डाल देते हैं, बहुत सारा मसाला ऐसा डालते हैं जिसको उसको टेस्टी बनाया जाता है। तो आम तौर पर ये फ्राइड भी होता है, उसमें जो ऑयल यूज़ होता है उसका भी पता नहीं किस तरह का ऑयल यूज़ किया है। तो ये, और जैसा मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मैदे से बना होगा, रिफाइंड शुगर उसमें डली होती है, थोड़ा नमक भी डलता है उसमें, तो ये मोटापा तो डेफिनेटली बढ़ाएगा। आजकल चाइल्ड ओबेसिटी आप देख रहे हैं भारत के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाइल्ड ओबेसिटी इज़ ए बिग प्रॉब्लम, बड़ों में तो है लेकिन बच्चों में भी है, क्योंकि जब ये आप खाते हैं जंक फूड तो इससे ओबेसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि पाचन आपका बिगड़ जाएगा। ये अर्ली एज में आजकल बच्चों को इंडाइजेशन हो रहा है, जबकि यंग एज में नहीं होना चाहिए। फिर आम बनने लगता है, यानी कि जब भोजन पचता नहीं है तो एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है, और आपको मालूम है आम तो बहुत तरह के रोग पैदा करता है, अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा, क्योंकि ये आम जहाँ भी आपके शरीर में पहुँचेगा वहाँ पर रोग पैदा करेगा। शरीर की जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की शक्ति है, वो कमज़ोर हो जाएगी, बच्चे बार बार बीमार आपका पड़ता रहेगा। इसलिए बहुत कॉमन शिकायत है कि हर महीने कुछ ही हो जाता है उसको, थोड़ा ठंडा पानी पी ले तो गला ख़राब हो जाता है, और फैटी लीवर भी होता है इससे, जंक फूड से। टाइप 2 डायबिटीज़ आपने सुना होगा, आजकल डायबिटीज़ भी बहुत तेज़ी से फैल रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चा जो है वो फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। एक जो एनर्जी लेवल उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत तरह के चैनल्स हैं, बहुत तरह के स्रोतस हैं, और जब आम बनेगा तो वो स्रोतस, वो चैनल्स वो बंद हो जाते हैं, और बंद होंगे तो सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, हर एक जगह जगह पर आपको कुछ ना कुछ विकार वहाँ पर दिखाई देगा। इलायची के फायदे और नुकसान बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, क्या जंक फूड का असर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है? जी बिल्कुल। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, क्योंकि जितना भी ये फूड है जंक फूड, ये सात्विक तो होता नहीं है, शरीर के लिए तो हानिकारक है मैंने बताया, लेकिन माइंड के लिए इसलिए है क्योंकि जो भोजन हम खा रहे हैं वो या तो रजोगुणी है या तामसिक भोजन है, पुराना है, फ्रेश नहीं है, उसको प्रिजर्व किया गया है। और आपने कहावत सुनी होगी कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, यानी कि माइंड की बात हम कर रहे हैं। तो जो भी आप खाते हो अगर सात्विक खाएंगे तो साफ स्वस्थ मन रहेगा, राजसिक तामसिक खाएंगे तो मानसिक बीमारियां बहुत आएंगी, और आयुर्वेद में तो इसके ऊपर काफ़ी डिस्क्रिप्शन है और एक रिसर्च भी हुई है कि जंक फूड जो खाते हैं लोग उनको एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, रेस्टलेसनेस यानी कि नर्वस माइंड हो जाता है उनका, इसके साथ साथ हाइपर एक्टिविटी उनके बिहेवियर में आ जाती है। कई बार देखा ना, लोग एक जगह टिक नहीं पाते हैं बिल्कुल, उनका माइंड ऐसे चलता रहता है, या फिर जो है माइंड थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, थोड़ा सा उसमें हम कहते हैं वॉयलेंस उसके अंदर ज़्यादा होती है, मेमोरी के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, लैक ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, खासतौर से बच्चों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल। बच्चों जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन नहीं होती, उनका एटीट्यूड बिल्कुल जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी सी बात पर एकदम से वो जो है गुस्सा करने लगते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, और आगे चल के थोड़ा सा जब बच्चे बड़े होते हैं तो डिप्रेशन, लोनलीनेस
और बहुत तरह के मानसिक रोग, यहाँ तक के जो भयंकर रोग जिसको हम कहते हैं आजकल बाइपोलर डिजीज, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, पूरे दुनिया से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। और अच्छी खुशखबरी आपके लिए ये है कि आयुर्वेद में मानसिक रोगों के लिए भी बहुत अच्छा उपचार है। लेकिन हम बार बार आपसे निवेदन यही करते हैं कि वहाँ तक आप पहुँचें क्यों, उससे पहले ही आप प्रिवेंशन करिए, अपने बच्चों को अच्छा भोजन खिलाइए, जंक फूड से बचाइए। थोड़ा सा जो है आजकल हम लोग भी थोड़े ढीले हो गए हैं, पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं, और कई बार पेरेंट्स भी जंक फूड खाते हैं तो फिर बच्चा तो अपने आप ही खाएगा। तो आपको रोल मॉडल बनना है, थोड़ा सा जो है अपने ऊपर ध्यान देना है, बच्चों के ऊपर ध्यान देना है। आहार विहार दोनों चीज़ें हमारे शरीर और मन दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए संजीवनी, दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक हैं भागलपुर से। अभिषेक बताइए क्या सवाल है आपका। मुझे बवासीर की प्रॉब्लम है। अच्छा, उसमें क्या ब्लड ब्लीडिंग होती है कि नहीं? हाँ जी सर, ब्लीडिंग होती है। तो बवासीर की शिकायत है सर, मैंने पहले दिखाया था तो उन्होंने डॉक्टर ने बताया था बवासीर का प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, प्रॉब्लम तो आपने बता दिया, लेकिन देखिए प्रॉब्लम तो बड़ी ईजी है समझना, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रॉब्लम के का कारण क्या है, क्यों आपको ये बवासीर, पाइल्स या हेमोरॉइड जो भी इसको हम नाम देते हैं, क्यों होता है। सिंपल है कि जब आपका पेट साफ नहीं होगा प्रॉपर, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहती है, कब्ज रहती है, सभी दर्शकों से मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर डेफिनेटली आपको इस तरह के रोग आने वाले हैं, समझ लीजिए। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो जीवा का जो है आप मुक्ति चूर्ण प्रयोग करिए, बहुत बढ़िया, सरल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव भी कई बार पेट खराब कर देता है। त्रिफला तो बहुत बहुत ही ईजी है, सरल है, त्रिफला टेबलेट भी मिलती है हमारी, चूर्ण मिलता है। और इसके साथ साथ क्योंकि आपने कहा कि ब्लीडिंग भी उसमें हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर कुछ जख्म बन चुके हैं, या आपके पाइल्स जो हैं वो उसमें से ब्लीडिंग होती है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा एक इलाज है, जिसको हम कहते हैं कि एक तो क्षार सूत्र चिकित्सा हम लोग करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज का है, थर्ड फोर्थ ग्रेड में अगर आपके पाइल्स चले गए हैं, तो उसमें क्षार सूत्र चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है, हम लोग करते हैं जीवा में। या अर्ली स्टेज है तो फिर उसमें मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, हमारे डॉक्टर्स अच्छी तरह से समझ लेंगे। एक बार हमारे यहाँ बात कर लीजिए, फ़ोन करके, आप जो है वीडियो के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, या क्लिनिक पर जाकर के पर्सनली भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा उपचार पाइल्स का, बवासीर का आयुर्वेद में होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि गर्म चीज़ें मत खाइए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या कोई तम्बाकू वगैरह का सेवन करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ये थोड़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे गर्मी से और ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी आपको। और थोड़ा खाना जो है सुपाच्य, आसानी से पचने वाला और सरल, जिसको हम कहते हैं सिंपल खाना खाइए, उससे भी थोड़ा थोड़ा फर्क आपको पड़ना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर चौहान, बच्चों को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए उनकी डाइट या लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद की भाषा में कहें तो पौष्टिक तो ज़रूर होनी चाहिए, न्यूट्रिशन उसके अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमेशा बार बार कहते हैं कि पौष्टिक डाइट के साथ साथ वो पचनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं सुपाच्य, यानी कि ईजीली डाइजेस्टेबल हो। क्योंकि बच्चों में जो भी आप खाना खा रहे हैं वो केवल टेस्ट के लिए नहीं खिला रहे, उसमें खाने से क्या होगा, धातु बनेंगे उनके, धातु मतलब जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, और डेवलपिंग एज होती है, उनकी इम्यूनिटी के ऊपर उसका असर पड़ता है, स्ट्रॉन्ग होती है इम्यूनिटी अगर अच्छा खाना खाएंगे। और बच्चे जो है बार बार बीमार नहीं होंगे, आपकी सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसलिए खाना जो भी वो खाएं उसमें देख लीजिए कोई पोषण है, या केवल ऐसे ही बस उसको टेस्टी बना दिया गया। तो मैं तो यही कहता हूँ बार बार अपने शो में कि हरी सब्जियाँ थोड़ी खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सलाद खाना चाहिए। बच्चों के लिए तो दूध बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का दूध उनको पिलाएं, पनीर खिलाएं, घी खिलाएं, मक्खन खिलाएं, उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बच्चों का ग्रोइंग एज में बहुत अच्छा है। छाछ पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम अखरोट वगैरह इनका सेवन करें, या जो सीड्स होते हैं हमारे, पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, इस तरह के जो सीड्स हैं इनको खाएं। और अपना जो ट्रेडिशनल खाना है, जहाँ भी आप रहते हैं भारत में, दाल चावल सब्जी, या जिस भी इलाके से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका ट्रेडिशनल कल्चरल फूड है, वो ज़रूर उनको बच्चों को खिलाना चाहिए। पोहा खिलाइए, उपमा खिलाइए, कुछ सब्जियाँ खिलाइए, सूप वगैरह बनाइए। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं
वो इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पचेगा नहीं तो फिर आम बनाएगा और आम बनेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो भोजन आप खिला रहे हैं बच्चों को, वो जैसा मैंने बताया अभी, ये तो होना ही चाहिए लेकिन वो पचना भी चाहिए। दूसरी बात लाइफस्टाइल की कर लेते हैं, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है दिनचर्या का, उसको अवश्य आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसमें कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। सोने का टाइम, उठने का टाइम, उठने के बाद थोड़ा दांत साफ़ करना है, आँख साफ़ करनी है, नाक साफ़ करनी है, पेट साफ़ करना है, ये सिंपल चीज़ें हैं। थोड़ा सा शरीर में मालिश करें जब भी टाइम मिलता है, प्राणायाम करें, योग करें, थोड़ी कसरत करिए किसी भी तरह की, और समय पर भोजन खाना है। लेकिन बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ जो है और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी उनकी होनी चाहिए। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गए, उनके पास मोबाइल है, गैजेट्स हैं, टैबलेट्स हैं, उसी में बच्चे खोए रहते हैं, दिन भर वीडियो गेम्स खेलते रहेंगे और बहुत तरह के गेम्स आजकल आ गए हैं। तो मेरा निवेदन है कि आउटडोर गेम ज़्यादा खेलें और हो सके तो फैमिली वाले गेम्स जो है मिल करके खेलें, ताकि फैमिली का भी एक बॉन्ड बने और उससे भी जो है साइकोलॉजिकल लेवल पर बच्चों की सेहत अच्छी होती है। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, बच्चों को जीवा से जोड़ना या आयुर्वेद से जोड़ना क्यों जरूरी है? जीवा में क्या खास है बच्चों के लिए? देखिए, जीवा से जोड़ना इसलिए जरूरी है और आयुर्वेद से जुड़ना, जीवा से जोड़ना मतलब आयुर्वेद से जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आयुर्वेद जो है वो जीवन जीने की एक कला है। आमतौर पर लोग क्या समझते हैं कि जब हम बीमार होंगे तब हम जीवा में जाएंगे, तब हम आयुर्वेद में जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक लाइफ का मैनुअल है, एक लाइफ जीने की एक जो है एक पूरी किताब है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि ये आपको अब सबसे पहले बताएगा कि आपकी प्रकृति क्या है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, उसकी एक बुकलेट आती है ना, तो वही आयुर्वेद है। स्वस्थ रहने के तरीके उसमें आपको बताए जाते हैं और उसके साथ साथ जो है फिर उसी के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार पूरा आपका एक प्लान बनता है उसके अनुसार। तो अगर आप आयुर्वेद से जुड़ जाएंगे, बच्चों को जल्दी आयुर्वेद से जोड़ देंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ज़िंदगी में उनको कभी कोई बीमारियां नहीं आएंगी। इसलिए मैंने पहले भी जिक्र किया अपने शो में, कई बार भी मैं बताता हूँ कि हमारा एक जीवा पब्लिक स्कूल चलाते हैं, वहाँ पर जो है हम बच्चों की प्रकृति, इसमें पेरेंट्स को भी हम इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को मैंने कोई बता दिया, छोटे बच्चे को, उसको समझ नहीं आएगा, तो पेरेंट्स और बच्चों को साथ मिला करके हम जीवा में एक प्रोग्राम बनाते हैं। बल्कि अभी तो हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, बच्चे हमारे स्कूल के जो बड़े बच्चे हैं वो मॉल्स में जाते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं और लोगों को प्रकृति का टेस्ट कराते हैं। वो सबको प्रेरित करते हैं कि अपनी प्रकृति मालूम होनी चाहिए, जिस तरह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी कौन सी कार है, डीजल की कार है, पेट्रोल की कार है या वो इलेक्ट्रिक है। अगर नहीं मालूम होगा तो गलत ईंधन डालेंगे, गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाएगा। सेम उसी तरह से आयुर्वेद से जुड़ने का मतलब है, सबसे पहला जो काम आयुर्वेद से जुड़ने पर आपको जो करना है वो ये है कि अपने बारे में जानना, अपने मन के बारे में जानना, अपने शरीर के बारे में जानना, अपनी अग्नि के बारे में, अपने पाचन के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में, कितनी आपकी शक्ति है, ये सब चीज़ें जब आप समझ जाते हैं तो उसी के अनुसार आपको अपनी गाड़ी चलानी है। और गाड़ी जब सही चलेगी, स्मूथली चलेगी, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका जो है मन भी खुश रहेगा। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा जो है 01294040404 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। इलायची खाने के फायदे और नुकसान जानिए बस एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी है सेहत की बात डॉक्टर प्रताप।